अज दलवाड़ा के विश्वकर्मा मंदिर विखे शिल्प कला के मोढ़ी भगवान श्री विश्वकर्मा जी का जन्म दिहाड़ा पूरी श्रद्धा से धूमधाम नाल मनाया गया, जिस विच सब तो पहला झंडा लहराने की रस्म महंत श्री सतीश वत्स परमार वाले ने की। उस तो बाद मंदिर के प्रागण में करवाए गए हवन में पूर्ण आहुति पाई गई। इस मौके पर महंत श्री सतीश वत्स जी ने आई हुई संगत को अपने प्रवचनों से निहाल किया, प्रभु के चरणों से जोड़िया। इस पवित्र समागम में सनातन धर्म सभा, ब्राह्मण सभा ते नगर कौंसल तलवाड़ा के कौंसलर ने प्रभु के चरणों में अपनी हाजरी लगवाई। इस मौके पर विश्वकर्मा मंदिर प्रबंधक कमेटी वालों लंगर का विशेष प्रबंध किया गया। पब्लिक स्पोर्ट न्यूज़ फोकस के नाल तलवाड़ा तो मुकेश शर्मा की विशेष रिपोर्ट। 28/10/22 को हमारे विश्वकर्मा मंदिर के प्रांगण में विश्वकर्मा दिवस के उपलक्ष्य में झंडा ध्वजा फहराया हुआ। इसके बाद हवन की पूर्णाहुति होगी। तत्पश्चात हमारे इस इलाके की महामहिम पूजनीय वंदनीय आदरणीय श्री सतीश वत्स जी महाराज जी अपने मुखारविंदों से सुंदर सुंदर भजनों एवं अपने प्रवचनों से हम सबको निहाल करेंगे। आइए हम महाराज के चरणों में प्रार्थना करें। महाराज दो शब्द। देवशिल्पी भगवान बाबा विश्वकर्मा जी की पावन महोत्सव की इस पावन अवसर पर बाबा विश्वकर्मा मंदिर के प्रांगण में ध्वजारोहण के उपरांत अभी सत्संग होगा, तो देव शिल्पी भी इन्हें कहा जाता है और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भी कहा जाता है, जिन्होंने अलकापुरी से लेकर के अमरावती से लेकर के और भी अनेक भगवान शिव के त्रिशूल से लेकर के काफ़ी इन्होंने रचना की है। जितनी भी पुरियाँ हैं वो सभी इन्हीं के द्वारा ही निर्माण किया गया है। इसलिए आज हम सभी मिलकर के उनका बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर पावन महोत्सव मना रहे हैं। जयकारा विश्वकर्मा जी दा बहुत सच्चे दरबार की। Oh, 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 oh